हुकुम मां। ओ बल्ले पुत्र, आज सवेरे सवेरे किधर? कुछ नहीं पापा, मैं और नवजीत आज वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे थे। अच्छा, तुम्हारे भी शुरू होगी क्या? हाँ पापा, 18 साल के ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है और मुफ्त। अच्छा पापा, मैं निकलता हूँ, नवजीत वेट कर रही होगी। ओके बाय। अच्छा सुनो, हेलमेट पहन लेना अपनी सेफ्टी के लिए। तुम चाह के सी यार, चाह तो पिया दे होना। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल, वो नवजीत रेडी होगी, हमने वैक्सीन लगाने के लिए जाना था। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के लिए जाना जी। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो हमें भी सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए ना। अरे भाई, अगर सरकार को इतनी ही जिम्मेदारी निभानी है तो उसे घर आकर इंजेक्शन लगाना चाहिए। ओहो अंकल, अब तो हम टैक्स पे करते हैं, किसके लिए? टैक्स भरना हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। क्या हम अपनी सेहत के लिए ये 4 कदम वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते? बात तो ठीक है। ओके बाबा बाय, हम चलते हैं। बहुत अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ। ओके बाबा बाय, थैंक यू। अरे जैकी भैया, आप यहाँ पर? हाँ मैं करता हूँ आपको, सिर्फ 2 मिनट में फोन करता हूँ। अरे कैसे हो? सब ठीक है, यहाँ पे कैसे? हाँ सब ठीक है, वो हमारे रिलेटिव थे ना, वो एडमिट थे। अच्छा, अब सब ठीक। अच्छा, तुम लोग यहाँ कैसे? जी हम तो यहाँ कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए। अरे वैक्सीन लगवा कर कई लोग ऊपर चले गए हैं। और जो रह गए वो बेचारे बीमारी में पड़े हैं अभी। ये भी सुना है कि जितनी खतरनाक कोरोना बीमारी है ना, उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन है। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ से सुना आपने? यही कहीं से। अरे वही तो पूछ रहे हैं दी, कहाँ से? हा? अरे व्हाट्सएप पर बहुत फॉरवर्ड मैसेज आते हैं। हाँ। बस वहीं से। ओहो, ये व्हाट्सएप ने ना दिमाग खराब करके रखा हुआ सबका। और वैसे भी दी, हाफ नॉलेज इज एज डेंजरस एज रॉन्ग नॉलेज। कमाल है ना, जब वैक्सीन नहीं थी तब भी लोग डरे हुए थे, और जब वैक्सीन आ गई है तब भी लोग डरे हुए हैं। हद। वैसे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोरोना वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और बेटर होता है, और वो एक सोल्जर की तरह काम करता है जो बाहर के बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो क्या ये हमें हर महीने लगवानी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी 2 डोजेज होती है, और दोनों इंजेक्शन में 8 से 10 हफ्ते का फर्क होता है। तो दोनों वैक्सीन लगवाना जरूरी है क्या? हाँ। बिल्कुल भैया, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंगली ये दोनों डोजेस लगानी बहुत जरूरी है। ये सब तो ठीक है, मैंने सुना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं बहुत। अरे नहीं दी, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ इसके थोड़े बहुत काउंटर इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, थोड़ा बहुत बुखार या वीकनेस, लेकिन इसका आपकी सेहत पे कोई भी मेजर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है या फूड एलर्जी है या फिर प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं या नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट covin.gov.in पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर हमने तो रजिस्टर करवाया ही नहीं। तो भैया आप करवा लो, चलो हम आपकी हेल्प कर देंगे। आज इन्होंने तो कोरोना वैक्सीन लगाकर खुद को और अपने फैमिली को सुरक्षित कर लिया है, तो अब आप कब जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने?